गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप आपके मोबाइल में अगर टाइप बी कनेक्टर है तो आप कैसे टाइप सी वायरलेस माइक को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं फिलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हो मेरे कॉलर पे अभी लगा हुआ है टाइप सी जो वायरलेस माइक होता है वो लगा हुआ है, लेकिन मेरा मोबाइल में जो है वो टाइप बी कनेक्टर है। मैं कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, आप भी कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। और मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप सी का जो वायरलेस माइक है वो टाइप बी कनेक्टर के साथ काम नहीं करता, लेकिन मैं उस दिन थोड़ा गलत था, मतलब उस दिन तो काम नहीं किया था, लेकिन मैंने क्या किया जिस वजह से मैं आज काम कर रही है, तो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपना रूम पर और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पहले कौन सा टाइप बी कनेक्टर यूज़ करता था। तो वो फिलहाल इधर रखा हुआ है, देखो मैं पहले जो काम नहीं कर रहा था जो टाइप बी कनेक्टर है वो है ये वाला टाइप बी जो कनेक्टर है ना, वो पहले काम नहीं कर रहा था। अभी फिलहाल मैं कौन सा टाइप बी कनेक्टर यूज़ करता हूँ तो वो तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी जो माइक यूज़ करता हूँ वो दिखाता हूँ। ये है ग्रीनालो वायरलेस माइक, मैं फिलहाल अभी इसे यूज़ करता हूँ ग्रीनालो वायरलेस माइक। और इसका तो अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करता, सोचा था 1-2 महीने बाद मैं इसे अच्छे से टेस्ट करके सारी चीज़ें जानने के बाद ही बताऊंगा कि ये माइक अच्छा है या फिर नहीं है, लेकिन मैंने वीडियोस को अभी तक नहीं डाला था, लेकिन अभी मैं इस एक ही साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखो इसमें मेरे पास मेरे कॉलर में एक माइक है और इधर एक माइक है, मैंने 2 माइक ऑर्डर किया था, एक मतलब एक ही कनेक्टर के साथ 2 माइक यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी एक माइक मेरे कॉलर पर लगी हुई है और एक माइक हाथ मेरे हाथ में, देख सकते हो ये फिलहाल कुछ इस ऐसा दिखता है। मैं अभी इसे टाइप बी कनेक्टर मेरे मोबाइल में है टाइप बी कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो कौन सा टाइप बी कनेक्टर है कहाँ से खरीदा वो भी मैं बताऊँगा वीडियो पे बने रहे। गाइस सारी चीज़ें दिखाने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात, कुछ सवाल मुझसे पूछा गया था वो सवाल भी लिया और कुछ सवाल मैंने खुद से भी लिया ताकि आप लोग का सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ, तो इसीलिए वीडियो को देखते हो कुछ सवाल मैंने लिख कर रखा हूँ ताकि भूल ना जाओ। क्या ये वायरलेस माइक टाइप बी मोबाइल में काम करेगा? क्या ये वायरलेस माइक टाइप बी मोबाइल में काम करेगा? देखो जिस जिसके फ़ोन पर टाइप बी कनेक्टर है वो टाइप सी कनेक्ट ज़्यादातर तो वायरलेस माइक जो आता है टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है, तो इसीलिए टाइप बी मोबाइल में क्या वो काम करेगा टाइप सी टू टाइप बी जो कनेक्टर आता है उसे यूज़ करके? पहली बात इस सवाल का जवाब है हाँ काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा मेरा वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा भी पहले काम नहीं कर रहा था। दूसरा सवाल है क्या आप OTG ऑन किया था? मैंने मैंने पहले जो वीडियो में बताया था वीडियो काम नहीं कर रहा था तो उसमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा था क्या आपने OTG ऑन किया था? हाँ मैंने OTG ऑन करने के बावजूद भी टाइप बी कनेक्टर काम नहीं कर रहा था। और एक सबसे बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि है बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि प्लग एंड प्ले होता क्या है। जो जिस जिस भी वायरलेस माइक खरीदते हो तो उसमें बोला जाता है प्लग एंड प्ले, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, जस्ट प्लग करो और आप बातें चालू कर दो, लेकिन इस चीज़ को बहुत लोगों को सही से क्लियर नहीं है प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है। देखो प्लग एंड प्ले का मतलब है माइक कनेक्ट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कैमरा में अगर एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा, तब आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन कनेक्ट करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं। एक चीज़ बताता हूँ, थर्ड पार्टी ऐप जैसे सबसे पॉपुलर जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। इधर देखो सुबह को मैंने बुलाया था, सुबह फिलहाल अभी आ गया है, हम फिलहाल इस माइक का रेंज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आज तो बहुत दिनों से हो गया है लेकिन अभी तक रेंज टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है रेंज का, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वीडियो करता हूँ, हाथों में मोबाइल लेकर वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए आज के रेंज टेस्ट करूँगा इसीलिए मैं सुबह को बुलाया हूँ। सुबह फिलहाल आ चुका है अभी, फाइनली हम लोग आ चुके थे इधर रेंज टेस्ट करने के लिए, लेकिन इधर जो नदी का जो हवा है ना ये बहुत ही ज़्यादा नदी में हवा चलती है, इसीलिए नॉइस हम लोग चेक करने के लिए भी इधर आ चुका है। फिलहाल सुबह इधर इधर फिलहाल बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हम लोग थोड़ा ठंडी आइसक्रीम ले लिया और चिप्स भी ले लिया, हम लोग पहले थोड़ा बैठ कर इधर खा लेते हैं, इधर हम लोग आइसक्रीम चिप्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद ही रेंज टेस्ट करेंगे।
और नॉइस कैसा आ रहा है आप लोग देखकर बताना, क्योंकि नदी के किनारे बहुत तेजी से हवा चलती है, तो हवा में आप लोगों को नॉइस कैसा आ रहा है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। इस माइक से आप लोगों को नॉइस कैसा आ रहा है बस आप लोगों को पता चल गया होगा कि इधर कितने नॉइस आ रहे हैं। क्योंकि देखो इधर हम लोग इधर देखो नदी के किनारे सारे हम लोग प्राय किनारे पे बैठे हैं और आज पानी बहुत ऊंचाई तक तो आ चुका है। इधर हवा भी बहुत ही तेजी से चल रहा है। हम लोग जहाँ पे फिलहाल बैठते थे उस जगह पे हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए गया था, तो मैं सुबह आइसक्रीम लेने के लिए गया था तो उस जगह पर कोई आकर बैठ गया, इसीलिए हम लोग इस जगह पर आए हैं। और ये थोड़ा देख सकते हो इधर पेड़ वगैरह है, तो पेड़ के पास भी पानी आ गया है, बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया है। इससे पहले हम लोगों ने जितनी बार आए थे नदी के पास इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा था। आज पानी देखो कैसा आ रहा है। आप लोगों को इस वीडियो देख कर आप लोगों को नॉइस का अंदाज़ा लग गया होगा। इसका जो बैटरी बैकअप ना कंपनी क्लेम करते हैं 6 घंटा चलेगा, लेकिन मैंने इसीलिए 2 माइक लिया था क्योंकि सोच रहा था किसी का एक माइक बंद हो जाएगा तो दूसरी माइक से मैं ब्लॉगिंग वीडियो शूट कर पाऊंगा, लेकिन क्या है ना एक ही माइक से पूरी ब्लॉग वीडियो शूट हो जाता है, 2 माइक का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी 2 माइक को लिया, मैं पास रखता हूँ लेकिन एक ही माइक से पूरे दिन मेरा ब्लॉगिंग हो जाता है। तो जो ब्लॉगिंग के लिए माइक लेना चाहते तो उसके लिए बोलना चाहते हो एक ही माइक से ब्लॉगिंग हो जाएगा। देखो मैं तो कंटिन्यू उतना ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं कर रहा था, लेकिन एक साथ मैं पूरा ब्लॉग शूट हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो 2 माइक इसीलिए लेना ही भी चाहिए। किसी का एक माइक में अगर आप चार्ज देना भूल गए तो दूसरा माइक से आप वीडियोस को बना सकते हो। इसी सोच के वजह से मैंने 2 माइक लिया था। सो गाइस मैं फिलहाल अभी रेंज टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इधर इधर हवा भी चल रही है, तो हवा में आप लोगों को ऑडियो कैसा आएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि रेंज कितनी डिस्टेंस है, हवा इतना जोर हवा के कारण आप लोगों को कैसा आवाज आएगा वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। अभी भी फिलहाल ग्रीन लाइट जले हुए है, इसीलिए उम्मीद करूँगा ऑडियो अच्छे से आ रही है। तो मैं फिलहाल अभी इतने सा दूर तक आ चुका हूँ जो कि काफ़ी बहुत होता है। मैं छोभी ऐसे ही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी कनेक्ट दिखा रहे हैं। मैं फिलहाल माइक को हाथ पर ले लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कितनी दूर से। अभी भी ग्रीन लाइट जले हुए है, मतलब हो सकता है अभी भी आवाज़ सही से आ रही है। बहुत ही तेज हवा चल रही है, मैं मुझे दिख भी नहीं रहा हो सकता है कैमरा में, मैं इतना दूर तक आ चुका हूँ। पता नहीं अभी भी कनेक्ट दिखा रहा है, तो हो सकता है मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, देखते हैं। मैं फिलहाल बहुत दूर तक आ चुका हूँ, इतना दूर तक ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिलहाल आ चुका हूँ, बहुत दूर तक आ चुका हूँ। मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रही पता नहीं, लेकिन इधर कनेक्ट दिखा रहे हैं। अभी भी ग्रीन लाइट जला हुआ है माइक पर, तो उम्मीद करता हूँ अभी भी हो सकता है कनेक्ट है। तो देखता हूँ मैं और भी पीछे चलता हूँ, अभी भी ग्रीन, मतलब मैं बहुत दूर तक आ चुका हूँ और मुझे लगता है और दूर जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी भी कनेक्ट दिखा रहे है, अभी भी ग्रीन लाइट जले हुए है, लेकिन इतना दूर तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मैं इतना ज़्यादा दूर आ चुका हूँ कि सुबह को छोटा दिख रहा है अभी भी कनेक्टेड है। तो मैं फिलहाल इधर फिलहाल हवा चल रही है, तो आप लोगों को पता चल रहे होगा कि आज नहीं, और मैं दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि काफ़ी दूर आ चुका हूँ। हो सकता है कैमरा में भी मैं नहीं दिख रहा, तो मैं बैक चल जा रहा हूँ, अभी भी कनेक्टेड तो दिखा रहे है। तो फिलहाल मैं बैक चलता हूँ, देखता हूँ सारे ऑडियो रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है, और ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे, तो इसीलिए मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ बैक। बाइक चल रहा है अभी पास से, सो मैं इतना दूर जा चुका था कि कैमरा में दिख भी नहीं रहा था। तो ये चीज़ें जो लोग प्रैंक वीडियो शूट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगा, क्योंकि उनको कैमरा छुपाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से बात करना पड़ता है, उनके लिए माइक काफ़ी बढ़िया होगा। सो मैं फिलहाल अभी कॉलर में लगा लेता हूँ, मैं देखना ग्रीन आलो जल रहा है कि नहीं जल रहा है ये देखने के लिए हाथों में माइक ले लिया था। सो उम्मीद करूँगा इस रेंज आप लोगों को पता चल गया होगा, काफ़ी दूर तक तो गया मैं, मतलब उधर भी
डिसकनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्टेड दिखा रहा था, लेकिन और भी मैं नहीं गया क्योंकि देखो और भी मैं जाता तो मैं कैमरा में ही नहीं आ रहा था, तो और दूर मैं इसीलिए नहीं जा गया। और उम्मीद करूँगा रेंज काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आप लोगों को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस आप बारी है टाइप सी टू टाइप बी कनेक्टर जो मैं यूज़ करता हूँ उसे दिखाने का, तो चलते हैं उसे दिखाते हैं। सो गाइस आप ये जो कनेक्टर देख रहे हो ना टाइप सी टू टाइप बी, मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। पहले जिसे मैं यूज़ करता था जिसमें काम नहीं कर रहा था वो है ये वाला टाइप सी टू टाइप बी कनेक्टर, लेकिन ये जो है ना ये काम नहीं करता, लेकिन जो लगा हुआ ये वाला टाइप सी टू टाइप बी कनेक्टर काम करता है। लेकिन दिखने में तो दोनों सेम ही है, लेकिन एक काम करता है एक काम नहीं करता। और यह है मेरा दो वायरलेस माइक, देख सकते हो आप लोग, यह है मेरा दो वायरलेस माइक। एक माइक से लगभग 3-4 दिन आराम से मैं ब्लॉग वीडियो शूट कर लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होता है आराम से। मेरे पास बैकअप के लिए और एक है ना, इसलिए मैं उतना ज़्यादा चार्ज पर भी नहीं बैठाता हूँ। मेरे पास दो माइक है ना, इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि किसी कारण से एक माइक का चार्ज खत्म हो जाए तो दूसरा माइक मेरे पास है, उसी से मैं ब्लॉग वीडियो शूट कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा चार्ज पर भी नहीं बैठा था। लेकिन बैटरी बैकअप जो है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सो उम्मीद करूँगा इस वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।